हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टी लेवल लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे पास सैंपल के तौर पे हमारे पास कुछ डाटा है जिस पर हमने मल्टी लेवल लिस्ट को तैयार किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो मेन हेडिंग है, जो कि है इनपुट डिवाइस और सेकंड है आउटपुट डिवाइस। अब दोस्तों, इनपुट डिवाइस के अंदर हमारे पास थ्री टाइप्स हैं, जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, टच स्क्रीन हो गया और वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइस। अब दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर हमारे पास फोर टाइप्स हो गए, माउस हो गया, ट्रैक बॉल, टच पैड और पॉइंटिंग स्टिक। अब यहाँ पे दोस्तों, टच स्क्रीन के अंदर हमारे पास कोई टाइप्स नहीं है। अब दोस्तों आते हैं हमारे वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइस पे। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास टू टाइप्स हैं, डिजिटल वीडियो कैमरा एंड वेब कैम्स। अब दोस्तों आते हैं हम सेकंड वाले हेडिंग पे, जो कि है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर हमारे पास केवल एक टाइप्स है, जो कि है प्रिंटर। और प्रिंटर के अंदर दोस्तों हमारे पास टू टाइप्स हैं, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो दो मेन हेडिंग है, जो कि है इनपुट डिवाइस और दूसरा है आउटपुट डिवाइस, इनका लिस्टिंग लेवल वन है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस, टच स्क्रीन, वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइस, उसके बाद प्रिंटर पर। यहाँ पे जो लिस्टिंग का लेवल है यहाँ पे टू है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारे टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर टाइप्स हो गए और यहाँ पे टू टाइप्स हो गए और यहाँ पे टू टाइप्स हो गए, यहाँ इनका लेवल थ्री है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे लेवल थ्री तक के मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही सेम मल्टी लेवल लिस्ट को तैयार करना है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में आगे बने रहें। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन सभी डाटा को, जैसे सिंपल डाटा को, ऐसे इस प्रकार से लिख लेना है, जो भी हमारे वहाँ पे हेडिंग थे, सब हेडिंग थे, उनके अंदर जो भी पॉइंट्स, इनको आपको सिंपल ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सबको यहाँ पे सिंपल से ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है आपको होम टैब के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको पैराग्राफ का एक ग्रुप दिखेगा, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको आना है मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको थ्री टाइप्स वाले मल्टी लेवल लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो पहला लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, लेवल सेकंड वाले को हम सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लेवल सेकंड पे हमने जो अप्लाई किया था वो है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस के आगे यहाँ पे कर्सर को लेकर आएंगे, उसके बाद आएंगे होम टैब पे। होम टैब के आने के बाद यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट के ऊपर सिंपल से एक बार क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड लेवल का लिस्टिंग था वो लग चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर जो हमारे फोर पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड और पॉइंटिंग स्टिक, इनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए सिंपल यहाँ से इस प्रकार से इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर जाएंगे। होम टैब के अंदर जाने के बाद फिर से इंक्रीज इंडेंट पे हमको टू बार क्लिक करना है। पहले अगर एक बार क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड लेवल का जो लिस्टिंग है वो होगा। उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थर्ड लेवल का लिस्टिंग हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं कि टच स्क्रीन और वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइस के ऊपर, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको आना है होम टैब पर। होम टैब पर आने के बाद आपको इंक्रीज इंडेंट पर यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो लिस्टिंग है वो सेकंड लेवल का हो जाएगा। इतना दोस्तों हो गया होगा, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइस के अंदर हमारे पास टू टाइप्स थे, जो कि डिजिटल वीडियो कैमरा और वेब कैम्स। इनको आपको सिंपल से सिलेक्ट करना है। होम टैब के अंदर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे पहले एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेकंड लेवल होगा, और दो बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा थर्ड लेवल का लिस्टिंग हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आउटपुट डिवाइस जो है, ये हमारा सेकेंड हेडिंग है। अब दोस्तों इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, इस पर हमारा जो पहले लेवल का लिस्टिंग है वही चाहिए। उसके बाद दोस्तों आते हैं इसके अंदर जो आएगा टाइप्स, वो है प्रिंटर। प्रिंटर के आगे हम अपने कर्सर को लेके आएंगे, उसके बाद होम टैब के अंदर आएंगे। होम टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट के ऊपर सिंपल से एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर ये दोस्तों हमारा जो सेकंड लेवल का जो लिस्टिंग होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आएंगे प्रिंटर के अंदर जो हमारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों आएंगे होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पे टू टाइम्स, मतलब दो बार यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट को क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा मल्टी लेवल लिस्ट रेडी हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसको कुछ कलर करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इसको कलर करिए। आप जैसे इस पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सिंपल से इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।